हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। ये मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है, 4 टमाटर लिए हैं मैंने इसको टमाटर को मैंने बॉईल करके इसकी टमाटर प्यूरी बना ली है। टमाटर सॉस मैं 2 चम्मच डालूंगी इसमें। कस्तूरी मेथी ली है और मैंने यहाँ पर लिया है ये 2 डली प्याज की ली है, हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी, 2 डली प्याज की ली है। इसको मैंने काट के हल्का सा फ्राई करके इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड में घुमा के इसको मैंने पीस लिया है। मैंने 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन लिया है, 1 अमूल की टिक्की ली है, हम हाफ ही डालेंगे इसमें हम बाद में भी डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है। फ्रेश क्रीम ली है मैंने, घर की मलाई है। आप फ्रेश क्रीम अमूल की आती है मार्केट में, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घर की फ्रेश क्रीम 1 प्याली ली है, ये पूरी बाउल। आइए चलिए हम देखते हैं शाही पनीर बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, मैंने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने सिर्फ 2 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। अभी हम बटर नहीं डालेंगे, नहीं तो बटर जल जाएगा। इसको हम अब डालेंगे इसमें ऑनियन, ये जो मैंने ग्राइंड कर रखी है ऑनियन डालेंगे हम। इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह इसको पकाएंगे, फिर हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे जो हमने बनाई है घर में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्याज हो गई है, अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। इसमें हम अब अदरक लहसुन डालेंगे। देखिए मेरी ग्रेवी में कितना फर्क आ गया है, कलर कितना चेंज हो गया इसका। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, इसको भी साथ में भूनेंगे। और मैंने ये गरम मसाले लिए थे, नमक मिर्चें सब हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो रही है। इसमें हम, अगर आपको स्वीट बनाना है थोड़ा, तो हम इसमें 2 चमचे चीनी के भी डालेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चमचे चीनी के, और हम इसमें सॉस भी डालेंगे 2 चमचे। ये मैं 2 चमचे सॉस के डाल दिए, टमाटर केचप, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। अब हम इसको पकाएंगे। इस स्टेज पर आप दूध डाल सकते हैं इसमें। मैं इसमें ये 1 बाउल मैंने दूध का लिया है, समझ लिए 1 कप ये बाउल है दूध का, मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। इसमें हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर पनीर मिलाऊंगी, ये मैं सारा पनीर डाल रही हूँ। ये मैंने पनीर बना लिया, अब इसको 2-3 मिनट तक हम और पकाएंगे, फिर हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे ऊपर से। और यहाँ पर हम मक्खन भी थोड़ा डाल के छोड़ सकते हैं, जब हम डिश आउट करेंगे तो हम बटर और डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शाही पनीर बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी सारी, ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी है इसमें, इससे फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है, बहुत अच्छा आता है इससे। आप इस स्टेज पर आप इसको कसूरी मेथी को मिला सकते हैं, थोड़ी डालिए, ज़्यादा डालेंगे तो कड़वी भी हो जाएगी। ये हमारा ये शाही पनीर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मक्खन और डालेंगे, जब हम ये मैंने बटर और डाल दिया इसमें, थोड़ा सा मैंने बटर और डाल दिया। मेरा शाही पनीर बनके तैयार हो गया है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने शाही पनीर डिश आउट करके निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हम इसमें बटर डालेंगे, हमने अंदर भी बटर डाला था लेकिन हम इसके ऊपर भी बटर डालेंगे, ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। ये मैंने बटर डाल दिया, इसमें हम क्रीम का ऊपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, अंदर मैंने बहुत सारी क्रीम डाली थी। इसमें हमारा शाही पनीर बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये शाही पनीर पसंद आया हो, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे आप मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें काजू भी डालते हैं, अगर आपको काजू पीस के डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं प्याज के साथ, लेकिन मैंने इस टाइम नहीं डाला उस काजू, मैंने बिना काजू के, बहुत टेस्टी बनती है ये, क्रीमी क्रीमी।
आप इसको बना के मेरे तरीके से देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। बाय।